नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरें विस्तार से। यूपी के बुलंदशहर में दूध और खेत की जुताई के पैसे मांगने पर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट और पथराव व अवैध हथियारों से हुई फायरिंग में 15 लोग घायल हुए हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र के गांव चिरौरी निवासी अर्जुन सिंह यादव की गांव में डेरी है। अर्जुन सिंह ट्रैक्टर से किराए पर खेती की जुताई भी करता है। गांव के कई लोगों पर अर्जुन सिंह के पैसे हैं। आरोप है कि पैसे मांगने पर अर्जुन सिंह के साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों के बीच खूब लाठी डंडे और पत्थर चले। दोनों ओर से हुए पथराव व मारपीट में करीब 15 लोग जख्मी हुए हैं। अर्जुन सिंह का आरोप है कि कार में तोड़फोड़ की गई है और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई है। दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष को लेकर गांव में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बुलंदशहर यूपी से अनिल कुमार मीणा की रिपोर्ट। जिला अस्पताल सफाई कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। डॉक्टर की बड़ी लापरवाही के चलते घोरक धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई थी, पर स्वास्थ्य विभाग मौन बैठा है। जब एक वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखाई दे रहा है, मोनू नाम का सफाई कर्मचारी मरीजों के इंजेक्शन लगाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पीलीभीत से आकाश पाठक की यह रिपोर्ट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से वन जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां लगातार एक के बाद एक मौत का सिलसिला जारी है। आज फिर ग्राम कैच के पास ही अनियंत्रित वाहनों की चपेट में आकर एक हिरन की मौत हो गई है। शव को रोड पर पड़ा देख के किसी राहगीर ने उसे खींच कर किनारे कर दिया, जिसके बाद शव के पास कई आवारा कुत्ते आ गए और बुरी तरह नोच कर खाने के साथ साथ शव को छत विछत कर दिया। सूचना पर सामाजिक वानिकी के वनरक्षक रामाधार अपने कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत से आकाश पाठक की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।